अगर मैं आपको पिछले 7 साल और 6 महीने का ब्यौरा दूं, तो पिछले 7 साल 6 महीने में टोटल बैंकों को 47,259 फ्रॉड्स के केसेस हुए। तो 47,259 फ्रॉड के केसेस हुए, जिसमें बैंकों ने 5.35 लाख करोड़, जिसको 5.35 ट्रिलियन कहते हैं, उतना बैंकों ने लूज किया। वादा किया था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और दे दिया देश को 5.5 ट्रिलियन रुपए का धोखाधड़ी, बैंकों के साथ धोखाधड़ी का केस। अब आगे चलते हैं, अगर हम ग्रॉस एनपीएस का कंपैरिजन करें, तो 2014 से लेके 21 के मध्य, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूं साथियों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 21,07,000 करोड़ का एडिशन हुआ ग्रॉस एनपीए में, सिर्फ सरकारी बैंकों में। वो 2007 से 14 की तुलना करें तो मात्र 5,35,000 करोड़ था। मतलब जो 7 से 14 एनपीएस में एडिशन हुआ था 5,35,000 करोड़, वो 14 से 21 के मध्य हो गया 21 लाख करोड़। जो 7 से 14 के बीच जो सरकारी बैंकों ने लोन्स राइट ऑफ किए थे, वो किए थे 32,109 करोड़ के, वो 14 से 21 के मध्य कर दिए 8,17,000 करोड़ के। मतलब रिटर्न ऑफ लोन्स को 25 गुना बढ़ा दिया, ग्रॉस एनपीए को 4 गुना बढ़ा दिया, और फ्रॉड कर दिए बैंकिंग इंडस्ट्री में 5,35,000 करोड़ के। और ये जितने भी मैंने आपके सामने आंकड़े दिए हैं, ये सारे आंकड़े मैं आपको प्रेस रिलीज में दूंगा, ये सारे आंकड़े मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग आती है, उससे संकलित किए हैं, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपके सामने रखती है कि किस तरह से ग्रॉस एनपीएस 4 गुना बढ़े यूपीए काल के, जो यूपीए के पिछले 7 सालों की अगर हम मोदी सरकार के 7 सालों से तुलना करें, किस तरह से जो बट्टे खाते में 25 गुना ज्यादा रकम डाली गई,